हेलो व्यूवर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए कमर्शियल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन रिटन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फाइव, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो कि स्प्रेडशीट बनाने के लिए यूज़ होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट टूल कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, डेटाबेस एनालाइजिंग डेटा, इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो उसमें आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन वगैरह, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन या स्टेटिस्टिक की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डेटाबेस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डेटाबेस पर्पस के लिए आप इसमें डेटाबेस बना सकते हैं या आप इसको डेटाबेस बना के किसी दूसरी प्रोग्राम में भी इसके डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेस में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको वेब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अपने अपने वेबसाइट पर अपने डेटा को इंपोर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा डेटा एनालिसिस के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और मुख्तलिफ प्रोग्राम से इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट सेव इन एक्सेल 2016 आर सेव्ड विद .xlsx एक्सटेंशन। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन, उसका नाम होगा, फिर उसके बाद .xlsx इस ये एक्सटेंशन होगी। और इस वक्त जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन 2016 है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं और इसका लेआउट क्या है।